अगर फास्ट वीडियो एडिट कर पाओगे तो बहुत कम टाइम में आप बहुत सारे वीडियोस क्रिएट कर सकते हो। अगर आप किसी क्लाइंट के वीडियो पे काम कर रहे हो तो फास्ट एडिट करने की वजह से आपके पास एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है, आपको थोड़ा रेस्ट मिल सकता है। जब आप वीडियो एडिटिंग में नए होते, सिंपल से वीडियो को भी एडिट करने में आपको 1 से 2 या 3-4 घंटे लग सकते हैं, वहीं पे कोई अगर एक्सपीरियंस्ड बंदा है तो वो सेम काम को हाफ टाइम में या 60% टाइम में कंप्लीट कर सकता है। मुझे काफी टाइम हो गया वीडियो एडिट करते हुए, तो जो चीजें मैंने सीखी मैं चाहता हूँ वो आपके साथ शेयर करूँ ताकि आप भी अपने वीडियोस को फास्ट एडिट कर पाओ। सबसे पहली चीज जो आपको करना है वो है अपने फाइल्स को ऑर्गेनाइज करो। जब आप वीडियो शूट करते हो या स्क्रीन रिकॉर्ड करते हो या आप ऑडियो रिकॉर्ड करते हो, सबको अच्छे से ऑर्गेनाइज करो, अलग अलग फोल्डर में डालो। अगर आपने ऐसा कोई वीडियो शूट किया जिसमें आपने कभी अपना कैमरा यूज किया है या कभी अपना GoPro यूज किया है या अपना फोन यूज किया है, सेम प्रोजेक्ट में इंडोर शूट भी है, आउटडोर शूट भी है, अगर आपने म्यूजिक डाउनलोड किया है, अलग से वीडियो रिकॉर्ड किया है या आपको कोई चीजें इंटरनेट से PNG डाउनलोड करना है, वो सब कुछ अलग अलग फोल्डर में डालो। ये चीजें आपको अपने कंप्यूटर में फोल्डर बना के भी करना है और आपको सॉफ्टवेयर में भी बिन्स बना के करना है। कभी कभी ऐसा होता है मेरे साथ कि मेरे को कुछ B-rolls चाहिए होते हैं जो मैंने ऑलरेडी शूट कर रखा है दूसरे वीडियो में, तो ऑर्गेनाइज करने की वजह से मुझे पता रहता है कि वो कहाँ पे मिलेगा। तो इस तरह से ऑर्गेनाइज करने पे आपको अभी सिर्फ हेल्प नहीं मिलेगी, आपको फ्यूचर में भी अगर उस फाइल की जरूरत पड़ेगी, अगर आपके प्रोजेक्ट में 1-2 महीने बाद आप उसमें एडिट करना चाहते हो तो वो सब चीजें भी कर सकते हो क्योंकि आपको समझ में आएगा। और अगर आपके साथ कोई काम कर रहा है उसको भी काफी ज्यादा इजीली समझ में आएगा अगर आप उसको फोल्डर प्रोवाइड करते हो जो कि ऑलरेडी नेम्ड है अच्छे से। आप जब वीडियो एडिट करोगे उस टाइम आपको फाइल ढूंढना नहीं पड़ेगी कौन सी फाइल कहाँ पे है। आपको हर चीज पता होगा कि ये वाली DSLR से शूट करी थी तो ये DSLR वाले फोल्डर में होगा, ये चीज मैंने फोन से शूट किया था तो ये मेरे फोन वाले फोल्डर में होगा, और ये ऑडियो है या म्यूजिक है तो ये म्यूजिक वाले फोल्डर में होगा। दूसरी चीज जो आपको करना है वो ये है, जब आप वीडियो एडिट कर रहे हो तो हॉटकीज को यूज करो और शॉर्टकट्स को यूज करो जितना पॉसिबल हो सके। Obviously, जब आप सॉफ्टवेयर में नए होगे तो आपको हॉटकीज नहीं पता होगा, यानी कि शॉर्टकट नहीं पता होगा। जब आप सॉफ्टवेयर में जाओगे तो हर सॉफ्टवेयर में ऐसा फंक्शन होता है जिसमें शॉर्टकट दिखाया रहता है कौन सा बटन क्या काम करता है, यहाँ तक कि आप कस्टमाइज भी कर सकते हो अगर आप चाहते हो अपने हिसाब से रखना कुछ भी। तो मान लो किसी क्लिप को डुप्लीकेट करना है तो मैं इस क्लिप पे जाऊंगा, उसको राइट क्लिक करूंगा, फिर उसके ऊपर मैं ढूंढूंगा कि कहाँ पे कॉपी है, फिर मैं जहाँ पे मुझे पेस्ट करना है वहाँ जाऊंगा, फिर वहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, वहाँ पे पेस्ट करूंगा, तब जाके इतना बड़ा प्रोसेस आएगा, जबकि मैं यहाँ पे कंट्रोल सी कर सकता हूँ और कंट्रोल भी कर सकता हूँ, इजीली कितना टाइम सेव हो गया। अपने फोन में स्क्रीनशॉट ले लो या कहीं पे लिख के रख लो, जब भी वीडियो एडिट कर रहे हो तो वहां से देख देख कर शॉर्टकट को यूज करने की कोशिश करो, उससे आपको जल्दी जल्दी याद होगा कि वजह से आपकी वीडियो एडिटिंग बहुत ज्यादा फास्ट रहेगी। नेक्स्ट चीज है जो आपको करना है वो है यूज प्रॉक्सी। अब आप पूछोगे प्रॉक्सी क्या होता है, ऐसे मेरा लैपटॉप है, कह सकता हूँ एवरेज हार्डवेयर है उसकी, यानी कि काफी अच्छा वीडियो एडिट कर सकता है वो, बट जब मैं उस पर 4K वीडियो एडिट करने की कोशिश करता हूँ तो बहुत ज्यादा लैग करने लगता है और उसको एडिट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा टाइम लगता है उसको एडिट करने में। तब वहां पे हम प्रॉक्सी बना सकते हैं, हर सॉफ्टवेयर में प्रॉक्सी बनाने का ऑप्शन होता है। जब आप प्रॉक्सी बनाते हो तो जो आपका सॉफ्टवेयर है वो आपका जो 4K वीडियो है उसका डुप्लीकेट बना के उसको लो क्वालिटी में रेंडर करेगा, और जब आप एडिट करोगे तो उस लो क्वालिटी वीडियो को यूज करेगा। वीडियोस का प्रॉक्सी बनाना चाहते हो तो आप मीडिया पूल में जाओगे, जो भी आपका क्लिप है, ये मेरा मेन क्लिप, ये टाइमलाइन है, ये मेरा मेन क्लिप है, अगर इसका मैं प्रॉक्सी बनाना चाहता हूँ, अगर आप बहुत सारे फाइल्स है तो उन सबको सेलेक्ट कर लोगे, राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे ऑप्शन आता है जनरेट प्रॉक्सी मीडिया। जब आप जनरेट प्रॉक्सी मीडिया करोगे तो वो धीरे धीरे प्रॉक्सी बना रहा है, प्रॉक्सी बना लेगा। तो आप प्लेबैक में जाओ और प्रॉक्सी हैंडलिंग में जाओ और यहाँ पे प्रेफर प्रॉक्सीज सेलेक्ट किए रखो, जब आप प्लेबैक करोगे तो वो प्रॉक्सी वीडियोस ही यूज करेगा। इसकी वजह से अगर आपका लैपटॉप या PC डिसेंट भी है तब भी वो 4K वीडियो एडिट कर सकता है। जब आप रेंडर करने जाओगे तो फिर वो प्रॉक्सी वीडियोस को रेंडर नहीं करेगा, वो रियल वीडियोस को, जो आपका 4K वीडियो है उसको रेंडर करेगा। अगर आपका कंप्यूटर काफी ज्यादा अच्छा और थोड़ा बहुत ही लैग कर रहा है तो आप प्लेबैक सेटिंग चेंज कर सकते हो सॉफ्टवेयर में ही, जो कि आपके प्लेबैक को थोड़ा स्मूथ बना देगा। एक और चीज, जहां पे जब आप करोगे प्लेबैक में जाओगे, रेंडर कैश में जाओ, तो इसको नन पे मत छोड़ो, इसको स्मार्ट या यूजर पे कर दो, यूजर इज द बेस्ट। नेक्स्ट चीज जो आपको करना है, यूज एडजस्टमेंट लेयर। अगर आपको एडजस्टमेंट लेयर के बारे में नहीं पता है तो मैंने एक वीडियो बना रखा है फुल वीडियो एडिटिंग के बारे में, तो वो आप जाके चेक कर सकते हो, उसमें मैंने एडजस्टमेंट लेयर के बारे में बता रखा है। अब यहाँ पे आपको जूम इफेक्ट लगाना है, इंस्पेक्टर में जाओगे, ट्रांसफॉर्म में जाओगे, की फ्रेम लगाओगे, उसके बाद थोड़ा आगे जाओगे, के बाद फिर थोड़ा जूम करके की फ्रेम लगाओगे, की फ्रेम्स लग गए हैं जिसकी वजह से ये जूम हो रहा है, यहाँ एक की फ्रेम लगाऊंगा, फिर थोड़ा आगे जाऊंगा और फिर मैं इसको वापस कर दूंगा, तो ये जूम हो रहा है और फिर जूम आउट हो रहा है। आगे वीडियो में सेम चीज करना है तो मैं फिर से जाऊंगा यहाँ पे, की फ्रेम लगाऊंगा, ऑल ओवर दोबारा मेरे को करना पड़ेगा, जबकि मैं इसको इजीली कर सकता हूँ, वो ये है, मैं यहाँ पे जाऊँगा इफेक्ट्स, इफेक्ट्स में भी एक इफेक्ट्स का टूल बॉक्स में इफेक्ट्स आता है, उसमें एडजस्टमेंट क्लिप में ड्रैग कर दूंगा, जूम इन हुआ
और फिर जूम आउट हो गया। तो फिर से सेम चीज करने के बजाय हम एडजस्टमेंट लेवल ऑल्ट प्रेस किए कि अपने माउस से इसको पकड़ के ड्रैग कर दूंगा कहीं और पे और फिर मैं जाऊंगा, तो फिर सेम इफेक्ट आप यहाँ पे भी लग गया अपने आप ही। तो बार बार की फ्रेम लगाने से हम बच गए और उसकी वजह से हमारी वीडियो एडिटिंग फास्ट हो गई। चीज मान लो आपने एक क्लिप में कलर करेक्शन किया, अगर आपने एडजस्टमेंट लेयर पे कलर करेक्शन लगाया है तो वो कलर करेक्शन उसके नीचे वाले क्लिप पे लगेगा, तो अगर आप एडजस्टमेंट लेयर को पूरा स्ट्रेच करते तो जहां तक आपको वो कलर करेक्शन सेम कलर करेक्शन चाहिए वहां तक वो हो जाएगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं कि आपको दोबारा कलर करेक्शन नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज है जो आपके वीडियो एडिटिंग प्रोसेस को बहुत ज्यादा फास्ट कर देगा वो है क्रिएट प्रीसेट्स। प्रीसेट्स क्या होते हैं? अगर आपने कोई इफेक्ट बनाया, कोई एनिमेशन कर रहे हो, तो आप उस चीज को प्रीसेट बना के रख सकते हो जो कि आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो। तो आप प्रीसेट बना सकते हो अपने एनिमेशन का और अपने कलर करेक्शन का। कलर करेक्शन के प्रीसेट्स को हम LUTs कहते हैं, LUT LUTs, लुक अप टेबल्स। मैं हमेशा यहाँ पे वीडियो शूट करता हूँ सेम लाइटिंग कंडीशन पे, सेम कैमरा एंगल पे। मैंने फर्स्ट वीडियो को कलर करेक्शन किया, अब मैं उसका LUT बना सकता हूँ और जब मैं दोबारा कोई दूसरा प्रोजेक्ट पे काम करूँ जिसमें मैं सेम सेटिंग में बैठा हूँ, सेम लाइटिंग में बैठा हूँ, उस LUT को यूज कर सकता हूँ, उस पर अप्लाई कर सकता हूँ, जिसकी वजह से मुझे बार बार कलर करेक्शन नहीं करना पड़ेगा। मैं जो फर्स्ट टाइम कलर करेक्शन किया था वही प्रीसेट या वही LUT मैं यूज कर रहा हूँ बार बार जब भी मैं इनको करना हो। यहाँ पे आप LUTs क्रिएट कर सकते हो। यहाँ माई LUTs है जो कि मैंने बना रखा है आउटडोर और इनडोर के लिए, और तो यहाँ पे बहुत सारे LUTs ऑलरेडी हैं और आप LUTs डाउनलोड भी कर सकते हो, तो आप अलग अलग तरह के LUTs यूज़ कर सकते हो। इसलिए प्रीसेट्स बनाना, LUTs बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बोनस पॉइंट आपको देना चाहूँगा, अगर आप वीडियो एडिट कर रहे हो तो प्लीज़ एक वायर्ड ईयरफोन या हेडफोन यूज करो। ब्लूटूथ वाले ईयरफोन में कभी कभी लैग होता है, तो आपको वायर्ड वाले ईयरफोन्स या हेडफोन्स यूज करना चाहिए। और ऑब्वियसली ये सब शॉर्टकट तभी आप यूज कर पाओगे जब आपको वीडियो एडिटिंग आती है। तो अगर आपको वीडियो एडिटिंग नहीं आती है तो ये वीडियो चेक करना चाहिए, और अगर आपको कलर करेक्शन नहीं आता तो ये वीडियो चेक करना चाहिए।